राधे राधे मित्रों, ब्रह्मदेव के मानस पुत्र और भगवान विष्णु के परम भक्त श्री नारद जी की जयंती हर साल ज्येष्ठ के महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीया को मनाई जाती है और इस साल यानी साल 2019 में नारद जयंती पड़ रही है 20 मई 2019 को। इस बार जो नारद जयंती पड़ रही है वो बहुत ही शुभ संयोग में पद्म और शिवा नामक योग में पड़ रही है। दोस्तों, नारद जी को ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक माना जाता है और इनका जन्म ब्रह्मा जी की गोद से हुआ है ऐसी मान्यता है। ब्रह्मा जी ने नारद को सृष्टि का कार्य का आदेश दिया था, लेकिन नारद जी ने ब्रह्मा जी के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। देवर्षि नारद व्यास, वाल्मीकि तथा महाज्ञानी शुकदेव आदि के गुरु माने जाते हैं और देवर्षि नारद की कृपा से ही रामायण और महाभारत जैसे महाग्रंथ मनुष्य को प्राप्त हो सके हैं। इनके कारण ही प्रहलाद, ध्रुव, राजा अम्बरीश आदि महान भक्तों ने भक्ति मार्ग में अपने पथ को प्रशस्त किया है। दोस्तों, नारद जयंती के दिन देवर्षि नारद का विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की बुद्धि प्रखर होती है, लेकिन चूंकि नारद जी भगवान विष्णु के परम भक्त थे तो जब तक श्रीहरि का पूजन नहीं होता नारद जी भोजन को स्वीकार नहीं करते। तो इस दिन भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी जी के साथ पूजन करना चाहिए और उसके बाद देवर्षि नारद जी का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके बाद इस दिन गीता और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी को बांसुरी भेंट करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही साथ इस दिन अन्न और वस्त्र का जितना हो सके आपको दान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, देवर्षि नारद के जीवन से वैसे भी जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं हैं। जैसे ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि में लगातार खबरों का प्रचार करने वाले नारद मुनि जीवन भर अविवाहित रहे। अविवाहित क्यों रहे वो? क्योंकि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब नारद मुनि को सृष्टि के कामों में उनका हाथ बटाने और विवाह करने के लिए कहा, किंतु नारद जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर के उन्हें श्राप दे दिया कि वो जीवन भर अविवाहित रहेंगे। इसके अलावा नारद जी हमेशा यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और उनके यहाँ वहाँ भटकने के पीछे भी एक कारण था। देवर्षि नारद कभी एक जगह नहीं टिक पाए, उसके पीछे भी एक श्राप था। श्राप क्यों मिला ये उन्हें? दरअसल राजा दक्ष की पत्नी आसक्ति ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन इनमें से किसी ने भी उनका राजपाट नहीं संभाला क्योंकि नारद जी ने सभी को मोक्ष की राह पे चलना सिखा दिया। इसके बाद दक्ष ने पंचजनी से विवाह किया और उन्होंने 1,000 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन इस बार भी नारद जी ने दक्ष के इन पुत्रों को सभी प्रकार के मोह माया से दूर करके मोक्ष की राह पर चलना सिखा दिया। तब राजा दक्ष ने क्रोध में आकर के नारद मुनि को श्राप दे दिया कि आप कभी एक जगह नहीं ठहरेंगे, आप हमेशा यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे। इसके बाद से ही नारद मुनि कभी एक जगह पर नहीं टिक पाए। तो चलिए शुरू करते हैं नारद जयंती की कथा। देवर्षि नारद पहले गंधर्व थे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व भगवान नाम का संकीर्तन करने के लिए आए। नारद जी भी अपनी स्त्रियों के साथ उस सभा में गए। भगवान के संकीर्तन में विनोद करते हुए देख करके ब्रह्मा जी ने इन्हें श्राप दे दिया। जन्म लेने के बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई और इनकी माता दासी का कार्य करके इनका भरण पोषण करने लगी। एक दिन गांव में कुछ महात्मा आए और चतुर्मास बिताने के लिए वहीं पर ठहर गए। नारद जी बचपन से ही अत्यंत सुशील थे। वे खेल कूद छोड़ करके उन साधुओं के पास ही बैठे रहते और उनकी छोटी छोटी सेवाएं भी बड़े मन से करते। संत सभा में जब भगवत कथा होती तो वे बड़े तन्मय होकर सुना करते थे। संत लोग इन्हें अपना बचा हुआ भोजन खाने के लिए दे देते थे। साधु सेवा और सत्संग अमोघ फल प्रदान करने वाला होता है। उसके प्रभाव से नारद जी का हृदय पवित्र हो गया और इनके समस्त पाप धुल गए। जाते समय महात्माओं ने प्रसन्न होकर इन्हें भगवान नाम का जप एवं भगवान के स्वरूप का ध्यान का उपदेश दिया। एक दिन सांप के काटने से उनकी माता जी भी इस संसार से चल बसी। अब नारद जी इस संसार में अकेले रह गए। उस समय इनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। माता के वियोग को भी भगवान का परम अनुग्रह मानकर ये अनाथों के नाथ दीनानाथ का भजन करने के लिए चल पड़े। एक दिन जब नारद जी वन में बैठ करके भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, अचानक इनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए और थोड़ी देर तक अपने दिव्य स्वरूप की झलक दिखा करके अंतर ध्यान हो गए।
भगवान का दोबारा दर्शन करने के लिए नारद जी के मन में परम व्याकुलता पैदा हो गई। अब बार बार अपने मन को समेटकर भगवान का ध्यान करने का प्रयास करने लगे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उसी समय आकाशवाणी हुई, अब इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा, अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद के रूप में मुझे पुनः प्राप्त करोगे। समय आने पर नारद जी का 5 भौतिक शरीर छूट गया और कल्प के अंत में वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। देवर्षि नारद भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। यह भगवान की भक्ति और महात्म्य के विस्तार के लिए अपनी वीणा की मधुर तान पर भगवत गुणों का गान करते हुए निरंतर विचरण किया करते हैं। इन्हें भगवान का मन कहा गया है। इनके द्वारा प्रणीत भक्ति सूत्र में भक्ति की बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई है और अब भी ये अप्रत्यक्ष रूप से भक्तों की सहायता करते हैं। भक्त प्रहलाद, भक्त अम्बरीश, ध्रुव आदि भक्तों को उपदेश देकर इन्होंने उन्हें ही भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया। इनकी समस्त लोकों में अबाधित गति है। इनका मंगलमय जीवन संसार के मंगल के लिए है। ये ज्ञान के स्वरूप, विद्या के भंडार, आनंद के सागर तथा सब भूतों के अकारण प्रेमी और विश्व के सहज हितकारी हैं। अविरल भक्ति के प्रतीक और ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाने वाले देवर्षि नारद का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक भक्त की पुकार भगवान तक पहुंचाना है। भगवान विष्णु के महानतम भक्तों में माने जाते हैं ये, और इन्हें अमर होने का वरदान प्राप्त है। भगवान विष्णु की कृपा से ये सभी युगों और तीनों लोकों में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। तो ये थी नारद जयंती की कथा। नमो नारायण।